तो गाइज, अगर आप बी एच ओ इन्फोपीडिया के चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और आपको बी एच ओ इन्फोपीडिया नज़र आ रहा है, तो ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है ब्लड रिलेशन के टॉपिक से रिलेटेड। काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं ये दूसरी वीडियो बना रही हूँ। अभी मेरा बोर्ड का सेटअप हुआ नहीं है, बट इट इज़ ओके, आपको मैं समझा दूंगी। आज का जो सवाल है, मैं एक ही सवाल आज इस वीडियो में कराऊंगी, छोटी सी ही वीडियो रहेगी बट काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग के रिगार्डिंग भी मैंने आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड की है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ब्लड रिलेशन की जो फर्स्ट चैप्टर वाली वीडियो है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की कि आज का सवाल क्या है। वो आपको टाइप्ड वे में सामने स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूँगी नहीं। अगर लिख दूँगी तो फिर स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड हो जाएगी। क्वेश्चन है, ए प्लस बी मीन्स दैट ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए माइनस बी मीन्स दैट ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। ये जो क्वेश्चन है ये आपको कंफ्यूज इसलिए करेगा क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेटर्स दिए हुए हैं, वो सिमिलर हैं, ठीक है, एक जैसे हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए और बी हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है, इसमें यूज़ हो रहा है सिंबल, ठीक है, जो कि कोडिंग डिकोडिंग के हिसाब से, अगर आपने हमारी लगातार वीडियोस देखी होंगी तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इजी था। बट ब्लड रिलेशन जो होता है वो रिलेशनशिप की बात करता है, जिसमें आप वर्ड से, रिलेशन से समझते हो कि इसमें बातें क्या चल रही हैं, ना कि अगर आप सिंबल देख रहे हो उससे आप समझ आओगे कि ये क्या लिखा हुआ है। इसके लिए आपको क्वेश्चन को 3-4 बारी रिपीट वे में पढ़ना होगा, तब आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। गाइस, क्वेश्चन ये था, ए प्लस बी मीन्स दैट ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स दैट ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स दैट ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, और ए इन और ए डिवाइड बी मीन्स ए इज़ द डॉटर ऑफ बी। जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा है सामने, मैंने आपको प्रेजेंट किया है। इसके बाद पूछा है एस डिवाइड्स टी इंटू यू प्लस जेड। इसमें से ये इक्वेशन आपको डायरेक्शन, जो क्वेश्चन का अबव पार्ट है उसमें से डायरेक्शन समझना होगा, उसको आपको एज अ ट्री सामने बनाना होगा अपनी रफ कॉपी में। और उसके बाद आपको जो दूसरा इक्वेशन एस वाला दिया हुआ है, एस डिवाइड्स टी इंटू यू, और उस पर प्लेस करना होगा। ये मैथ्स वाला जैसा क्वेश्चन लग रहा है कि आपके पास डायरेक्शन है और उसके हिसाब से आपको वैल्यू पुट करनी होगी दूसरे इक्वेशन में, ठीक है। और आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चन पे सही बैठ रहा है। तो हम इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो हम बना लेते हैं ए प्लस बी का क्या मतलब है। ए क्या है, मेल है, और किसका फादर है, बी का फादर है। किसका फादर है, बी का फादर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी, ये पहला इक्वेशन था। अब दूसरा इक्वेशन है ए माइनस बी, इससे क्या हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं एक कपल के बारे में, हस्बैंड वाइफ के बारे में, जो दिया हुआ है ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। बी क्या है, हस्बैंड, ऑब्वियसली, ठीक है। ये हो गया मैरिड कपल, ये हो गए हमारे फादर, इसमें ये रिलेशन दिखाया है, और इनका जो है जेंडर डिफाइन नहीं है। ये सन भी हो सकती हैं, सन भी हो सकते हैं, और डॉटर भी हो सकते हैं बी। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, तीसरे इक्वेशन पे चलते हैं हम। यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, इसको साइड करके साइड में ही लिखती हूँ, जिससे हमारी स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम भी हो जाए और आपको सारी चीज़ें नज़र भी आ जाए। थर्ड इक्वेशन जो है ए इंटू बी, और ये चीज़ क्या है, क्या है ए और बी, क्या है, ब्रदर है। ए जो है मेल है, किसके ब्रदर हैं,
बी के ब्रदर हैं, बी के ब्रदर हैं, बट बी का जेंडर यहाँ पे भी डिफाइन नहीं है कि ये इनकी सिस्टर है या ये इनके ब्रदर है, बस डिफाइंड है कि ए जो है ये ब्रदर है, किसके ब्रदर है, तो बी के ब्रदर है। लास्ट इक्वेशन हम यहाँ पे बनाते हैं, इसको और थोड़ा साइड करते हैं और आपको क्लियरली सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए। लास्ट इक्वेशन जो कहता है ए डिवाइड बी, यही है ना, ए डिवाइड बी का क्या मतलब है, क्या मतलब है दोस्तों, ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, बड़े हैं तो ऊपर कर देते हैं और ए क्या है इनकी डॉटर है, ठीक है, यहाँ मैंने डी बना दिया, इसको हम लेते हैं ए, ये है डॉटर, ए क्या है डॉटर, डॉटर के लिए हम सिंबल बना देते हैं फीमेल वाला माइनस, और हमें पता नहीं है कि ए क्या है, क्या है बी का हमें पता नहीं है, मैं यहाँ पे फंबल कर रही हूँ, बी का हमें पता नहीं है कि इनकी जेंडर क्या है, क्या ये मदर है या ये फादर है। आई गेस आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, बी क्या है, मदर है कि फादर है पता नहीं है, यहाँ पे भी बी पता नहीं है, यहाँ पे पता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, और यहाँ पे ये क्या है हमें पता नहीं है कि ये सन है कि डॉटर है, बट हमें ये पता है कि ए जो है ये फादर है। अब हम इक्वेशन लिखते हैं जो हमारा दिया हुआ है, इक्वेशन हम बीच में लिख देते हैं, आपको समझ आ जाएगा, एस डिवाइड टी इंटू यू प्लस जेड, इसको हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू, अब जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो हम लिख देते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है इस इक्वेशन के हिसाब से समझेंगे और लिखेंगे। एस डिवाइड टी, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ए और ए डिवाइड डी बी वाला इक्वेशन उठाएंगे और एस डिवाइड टी पे लागू कर देंगे, क्या है एस को हम नीचे ले जाएंगे, एस बन जाएंगी डॉटर, बट टी का हमें पता का हमें पता नहीं है कि टी क्या है, मदर है या फादर है, बट हमें एस का पता है कि एस क्या है डॉटर है, एस क्या है डॉटर है, यहाँ पे मैंने माइनस लगाया था, यहाँ पे डी लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा इक्वेशन टी इंटू यू, जो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे टी इंटू यू को, टी क्या हो गए अब ब्रदर हो गए, किसके ब्रदर हो गए यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे T into U लिख देते हैं सिमिलरली तो A ऊपर चले गए थे ना, तो यहाँ पे T ऊपर ही है, T किसके ब्रदर हैं, तो U के ब्रदर का पता चल गया कि ये अब मेल जेंडर हैं, ठीक है, मेल जेंडर पता चल गया और ये हो गए U। अब हमें लास्ट इक्वेशन पे ध्यान देना है, लास्ट इक्वेशन है हमारी U plus B, ठीक है, जो कि हमारा ए प्लस बी से मैच करती है, रिलेट करती है, इसमें क्या था, जेड जो है बी की जगह पे आ जाएगा, जेड बी की जगह पे आ जाएगा, और ये क्या थे पता नहीं है कि ये मेल जेंडर है या फीमेल जेंडर है, सन है कि डॉटर है, बट यू क्या हो गए अब, यू हो गए इनके फादर, क्या हो गए इनके फादर, मतलब कि ये मेल है। अब जो चारों ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, कज़न वाला, कौन सा ऑप्शन सही है कि एस और जेड क्या हैं आपस में कज़न हैं, क्या हैं आपस में कज़न हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे होमवर्क में दूंगी, आप उसको सॉल्व करिएगा, अगर आपको नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं होमवर्क को, होमवर्क जो मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखाऊंगी वो आपका होमवर्क रहेगा, आप उसको सॉल्व करिएगा, नहीं समझ आएगा तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो आज हम एंड करते हैं, छोटी सी वीडियो, एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, यही समझ आ जाता है सिंबल्स और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन पहले से दिया हुआ था, सिंबल्स का यूज़ किया हुआ था, और आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पेपर में देखने को मिलेंगे ब्लड रिलेशन के। तो होमवर्क सॉल्व करोगे, नहीं समझ आएगा तो कमेंट करना कि मैम नहीं समझ आया, तब हम आपको बताएंगे कि अब आगे आपको क्या करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, तो हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिससे आपको हेल्प मिल सकेगी। कमेंट करिएगा अपने डाउट्स, लाइक करिएगा वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आ गई है और चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि अब आपको पढ़ाई की वीडियो भी चैनल पर मिलने लगी है। साइनिंग ऑफ, टाटा।